एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डी फार्मा इज नोट। दिस वीडियो इज डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट। आज का हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी स्टूडेंट्स को ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर फंक्शनल और बॉडी के फंक्शन के बारे में बताया जाता है। तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ओके, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस से ही है। और इसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी आज आप लोग इस वीडियो में देखोगे। तो आपका काम क्या है भाई, आपका काम है लाइक शेयर और अपनी दीदी को सपोर्ट करना ढेर सारा, तभी तो आप लोगों की हेल्प हो पाएगी, तभी तो हमारी भी हेल्प हो पाएगी, जिससे कि हम आपको और ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एग्जाम में आता ही है, चाहे आप एग्जाम देके आओगे तब फिर कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो फिर आपको पास होना है। जिन भी स्टूडेंट को जैसे वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, जरूर समझ में आएगा, और जो भी कंफ्यूजन रहनी है कमेंट ना हो। ओके, तो चलिए ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पे नए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में पूछा क्या गया है लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है लिम्फेटिक सिस्टम में आपसे पूछा गया है लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शन एंड फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। तो इसके क्या फंक्शन रहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इतना तो आप लोगों ने जान लिया है कि मतलब लिम्फेटिक ग्लैंड्स में अगर लिम्फेटिक टॉपिक आएगा तो इसमें से आपका सिलेबस है। ठीक है, इसको हटाते हैं, तो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आपके सिलेबस में ये पूछा गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड से ही। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर एक एक करके कवर करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ये देखिए यहाँ पे निशान लगा के रखा हुआ है कि इतनी जगह लिम्फेटिक ग्लैंड्स को इतनी बार आपके क्वेश्चन पेपर में रिवाइज किया गया है, तो वो कैसे पूछा गया है, किस टाइप से पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, तो आपको मतलब समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न लिखित पर टिप्पणी, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इसको इंग्लिश में भी लिखा रहता है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो ये मत समझे कि इंग्लिश में नहीं रहता है, आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है, मतलब कि उनको थोड़ा सा लसिका जो ग्लैंड्स है उनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब आइए सेकंड नंबर हमारा जो पूछा गया है, जो हमारा सेकंड निशान है, देखिए पहले से ही व्यवस्था करके रखनी पड़ती है आप लोगों के लिए कि हाँ इतनी जितनी जगह मैं सारी बुक्स में ढूंढती हूँ पहले, तो फिर जाके पता चलता है कि हाँ यहाँ यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा था इसको दिया गया है इधर से यहाँ पे भी, देखिए निम्न में से किन्हीं चार भागों का उत्तर दीजिए। तो ऐसे ही आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, और लिखा यहाँ पे देखिए लिम्फ ग्लैंड से टॉपिक दिया गया है, बस इतना ही कि लिम्फ ग्लैंड लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा लिम्फ ग्लैंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिम्फ ग्लैंड का आंसर ये पूरा दिया गया है, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरे निशान पे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, देखा था आप लोगों ने सिलेबस में ना कि फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे वही है फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स कैसे होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, और आप लोगों का बस यही काम है, आप लोगों से मैं यही बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर आप इस वीडियो को शेयर करें, और अपने फैमिली वाले फोन से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल दुनिया में इतने सारे फोन हो गए कि नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है, क्योंकि पढ़ाई को लोग कम यूजेबल समझते हैं और दूसरी चीज को ज्यादा नेटवर्क स्पीड दे रहे हैं। इस वजह से सपोर्ट करिए, अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई को लेकर सपोर्ट करेगा, तो मैं आपसे ही ये उम्मीद रखती हूँ कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके, लिम्फ ग्लैंड टॉपिक को पढ़ने से पहले, कवर करने से पहले, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिम्फ ग्लैंड आखिरकार होता क्या है। ठीक, ओके, तो देखो लिम्फ ग्लैंड जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है ना, उसी का जो डब्ल्यूबीसी वही कुछ पार्ट्स छन के बाहर आ जाते हैं, योजी ऊतक जो सेल्स होती हैं उन पे आ जाते हैं, तो उस वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब
कोई भी चोट लगी रहती या फिर उसी पे ये एंटीबॉडीज की तरह वर्क करते हैं, इसी को लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि लिम्फ ग्लैंड क्या होता है। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है जल्दी से बोलो, कमेंट ना आओ। तो चलिए देखते हैं हम लोगों की, पहले पूछा गया था लिम्फ ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझना है, बस आपका काम यही है। लिम्फेटिक ग्लैंड हेडिंग डाल दीजिए और फिर लिखिए लिम्फेटिक ग्लैंड को लिम्फ नोड भी कहा जाता है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड को क्या बोला जाता है, तो लिम्फ नोड कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लसिका ग्लैंड, जो लिम्फ ग्लैंड होती है उनकी संरचना ग्लैंड्यूलर होता है, ग्लैंड्यूलर उनकी संरचना जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, यह स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट पर फैली होती है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो शरीर में उत्पन्न कीटाणुओं, वो विषैलो पॉइजन्स जो होता है उनको फिल्टर करती हैं। लसिका ग्लैंड्स जो होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ टिश्यू का संग्रहण होता है, मतलब कलेक्शन जो होता है लिम्फ ग्लैंड टिश्यूज का ही होता है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स लिम्फेटिक सेल्स के निर्माण में, उनके बनाने के लिए, मेक में उनका बहुत निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, ये लसिका जो ग्लैंड्स होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं, लसिका सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल का ही एक पार्ट है। ठीक, लसिका ग्लैंड्स विभिन्न रोग में कीटाणुओं तथा अन्य हार्मफुल सब्सटेंस को रोककर शरीर के रोगों से रक्षा करती हैं। कैंसर सेल्स जो होती हैं, कोशिकाओं का फैलना मुख्यतः लसिका कोशिकाओं द्वारा ही नियंत्रित होती है। ठीक है, लसिका कोशिकाओं के द्वारा ही ये नियंत्रित होती है। देखा होगा, एक मैंने क्वेश्चन दिखाया होगा फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, ये अलग से भी पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पांच नंबर में पूछा गया है या तीन नंबर में भी पूछा गया है तब भी आपको इसको, मतलब आपके पास है कि हाँ लॉन्ग करना है थोड़ा आंसर को, तो फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड हेडिंग डालिएगा और फिर लिखना स्टार्ट करिए। लसिका रुधिर के कार्य में अधिक सहायता करती हैं। लसिका जो होती हैं, जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, वो ब्लड में अधिक सहायता करती हैं। ठीक है, इसके लिए निम्न प्रमुख कार्य हैं। तो इसमें ये हेडिंग्स, ये वर्क हैं जिनके अंतर्गत जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं वो ब्लड में बहुत सारी सहायता करती हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर हेडिंग प्रसारण एवं आदान प्रदान। तो आपको ये हेडिंग हिंदी में नहीं लिखना है, यही बात तो हमें याद रखना है कि हेडिंग हमें हिंदी में नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए प्रसारण एंड आदान प्रदान को ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ई एक्स सी एच है ये। ठीक है, ए एन जी, ट्रांसमिशन एंड एक्सचेंज, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की हेडिंग इंग्लिश में डालना है और फिर आपको लिखना है ब्लड से लेकर कोशिकाएं, रुधिर से लेकर कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से कोशिकाओं विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे गैस हार्मोन्स आदि आदान प्रदान, मतलब कि उनका क्या ट्रांसमिशन एक्सचेंज हेतु माध्यम के रूप में सहायक के रूप में लसिका जो ग्लैंड्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, लसिका की प्रयुक्ति होती है। ठीक है, लसिका हेल्प करती है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, एक्सचेंज मतलब ट्रांसमिशन एक्सचेंज आदान प्रदान। तो अब सेकंड नंबर प्रसारण संतुलन का निर्माण, तो आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, प्रसारण इसका इंग्लिश में है क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे हिंदी में हम हेडिंग क्यों नहीं डालेंगे, तो देखिए बच्चों हिंदी में हेडिंग इसलिए नहीं डालना है क्योंकि आप पूरा ही हिंदी में लिखोगे तो टीचर सोचेगा बच्चे को इंग्लिश वीक है, इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं आता है। इस वजह से आपको थोड़ा इंग्लिश भी दिखाना है कि हाँ भैया हमें इंग्लिश हिंदी दोनों आता है, लेकिन हम हिंदी में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसलिए हिंदी में का भी यूज किया है। ओके, तो वहां पे आप अपने टीचर को समझाने के लिए तो नहीं रहोगे कि जैसा कि कॉपी में, इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ज्यादा अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना क्या है कि क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस में या कोशिकाओं के बाहरी जली आवरण प्रदान कर कोशिकाओं के अंदर के जली आवरण
के साथ परासरण संतुल्य बनाए रखते हैं, मतलब कि ऑस्मोटिक जो बैलेंस होता है उसको, जो वाटर का, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा गया। थर्ड नंबर है उत्सर्जित पदार्थ के निष्कासन में सहायता। जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, यहाँ पे देखिए हेडिंग आपको डालना है थर्ड नंबर में, एडिंग इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रेट, इसकी हेडिंग ये है। तो आपको लिखना है यहाँ पे कोशिकाओं से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ के ऊतकों से प्राप्त कर रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित रुधिर में भेजने का कार्य कौन करता है भैया? लिम्फ ग्लैंड करता है। ठीक है, लिम्फ ग्लैंड ही करता है। ध्यान से पढ़िएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। फोर नंबर हेडिंग आपको देखिए यहाँ पे डालनी है, फोर नंबर हेडिंग है वसाओं के अवयवों का अवशोषण। तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। वसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लसिका के द्वारा ही छोटी आंत का जो रसांकुर होता है, विल्स होता है, विल्स में वसाओं, जो लिपिड्स होते हैं, वसाओं के यव का अवशोषण होता है। इन रसांकुरों लीव्स में लसिका वाहिनियों की शाखाएं होती हैं। ठीक, अब फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में आपके, रोगाणुओं से सुरक्षा। तो आपको हेडिंग डालनी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स हेडिंग डालना है। ठीक है, फिर लिखना है आपको इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वही होते हैं लसिका ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती है, मतलब कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जो कीटाणुओं का भक्षण करती है, मतलब उसे किल करती है, शरीर की रोग से रक्षा करती है, शरीर को रोग से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड से बनती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है, लिम्फोसाइट्स किससे बनती हैं? लिम्फ नोड से बनती हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मानव की लसिका ग्रंथ धूल के कण, जीवाणु एवं अन्य हानिकारक जीव के शरीर में प्रवेश को रोकने प्रतिक्षमता प्रदान करती हैं। ठीक है, उनसे रक्षा, मतलब कि उनको एंटीबॉडीज देती हैं, उनसे सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि लिम्फ ग्लैंड के बारे में और उनके फंक्शन ऑफ ग्लैंड। अब दूसरा क्वेश्चन जो था हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है आपको लिम्फ ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है और पूछा भी जाता है काफी बार। ठीक है, इधर स्ट्रक्चर तो बना हुआ है बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर में। तो चलिए, ये जो मेरे पास बुक है डिफार्मा फर्स्ट ईयर की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, इससे देखते हैं, क्योंकि मैंने इस लेसन को भी पूरा रीड किया था। तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत ही साफ सुथरा बना हुआ है और आपको क्लियर दिख रहा होगा। लिम्फोइड टिश्यूज किसे कहते हैं? इसे लिम्फोइड टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे को कैप्सूल बोलते हैं। तो ये एक सेम जो वीन्स होती हैं, सेम का बीज, उसी की तरह ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है और एग्जाम में भी जरूर बना के आना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। और इसके नेमिंग देखिए, पूरा कैप्सूल यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक मुझे को मिल नहीं रहा था कैप्सूल किधर लिखा है, क्योंकि फ्रोन की स्क्रीन से देखने में थोड़ा सा मतलब अलग ही लगता है। एफेरेंट लिम्फ वेसल्स हैं, और ये एफेरेंट लिम्फ वेसल्स, ये तो देखिए बहुत ही आसानी से समझ ही रहे होंगे सभी लोग। और इसमें बताना ही क्या है, सब कुछ आराम से क्लियर से बना, एक सेम के बीच की तरह ऐसे करके ऐसे बनाना है, और फिर ऐसे देखिए एकदम इजी है, और फिर इधर डब्लू सा कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी बन जाएगा। और थोड़ी सी आर्क वगैरह निकाल देनी है और ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, बहुत इजी। देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ किया है, मेरा पूरा नहीं बनाऊंगी, नहीं कि मेरी बुक गंदी हो जाएगी। तो ऐसे ही बनाना है आपको स्ट्रक्चर, इससे नंबर अच्छे मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि लिखना क्या क्या है। नाउ द टॉपिक इज लिम्फ ग्लैंड्स, जिसको कहते हैं लसिका ग्रंथियां। संयोजी उतक के कैप्सूल में बंद लिम्फोइड उतक के ग्रुप को लिम्फोइड या लिम्फ ग्रंथि कहते हैं। लिम्फ नोड लिम्फ वाहिनियों के साथ बिखरे हुए पाए जाते हैं, किंतु ये सर्विकल प्रदेश, मतलब सर्विकल रीजन, एक्सिलिया तथा ग्रोइन में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
संरचना, इसका स्ट्रक्चर जो कि अभी बता चुके हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन अब यहाँ देखते हैं। प्रत्येक लिम्फ नोड सेम के दाने की आकृति की रचना है। इसकी मोटाई 1 से 25 mm होती है। इसका रंग सफेद होता है। एक और एक दंतुर होता है जिसे हीलम कहते हैं, हीलम। ओके, लिम्फ नोड में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट कैप्सूल, सेकेंड लिम्फॉयड उत्तक समूहन। देखते हैं कैप्सूल में यह लिम्फॉयड उत्तक के समूहन के चारों ओर तनु में संयोजी उत्तक का सबसे बाहरी उपकरण है। कैप्सूल से संयोजी उत्तक उत्तक के अनेक ट्रेबुकुली लिम्फ नोड के मध्य की ओर कॉर्टिक्स में फैले रहते हैं। हीलियम से मैंडुला तक शाखित ट्रेबिक्यूली का समूह फैला रहता है। सेकेंड लिम्फॉयड उत्तक समूहन, लिम्फॉयड टिश्यू मास। लिम्फॉयड उत्तक के समूहन लिम्फॉयड्स के पिंडों के रूप में दो विभिन्न प्रदेश में व्यवस्थित रहते हैं, जो कि फर्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यह लिम्फ नोड का एक परिधीय भाग है। इसमें लिम्फोसाइट के अनेक संघनित समूह होते हैं। इन समूहों को प्राथमिक नोड्यूल्स कहते हैं। लिम्फोसाइट उत्पत्ति की सक्रिय अवस्था में प्राथमिक नोड्यूल के अंदर हल्के रंग के एक केंद्रीय प्रदेश होते हैं। इस द्वितीयक नोड्यूल को जर्मिनल सेंटर भी कहते हैं। कैप्सूल तथा कॉर्टेक्स के बीच एक साइनस होता है, इसे परिधीय साइनस कहते हैं। अनेक कॉर्टिकल साइनस रेकुली के साथ साथ परिधीय साइनस से कॉर्टेक्स के अंदर फैले रहते हैं और ये मेडुलरी साइनसों के साथ संशाखन करते हैं। सेकेंड मेडुला, ये लिम्फोसाइट के असमान पिंडों का बना होता है। असमान मतलब अनइवन, एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पिंडों से बना होता है लिम्फोसाइट। ठीक, यह मेडुलरी कॉर्ड बनाते हैं। मेडुलरी में मेडुलरी साइनस होते हैं जो लिम्फ के प्रभाव के लिए पथों का कार्य करते हैं। इस प्रकार के साइनस मेडुलरी कॉर्टेक्स तथा ट्रेबुकुली के बीच स्थित होते हैं। ट्रेबुकुली में छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं। इनके अतिरिक्त कॉर्टेक्स में अनेक कोशिकाएं भी होती हैं। कैप्सूल में अविवाही लिम्फ वाहिनियां अफेरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं, जबकि अपवाही रुधिर वाहिनियां इंफेरेंट लिम्फ वेसल हीलम के संयोजी उत्तक में होती हैं। कंप्लीट हुआ टॉपिक लिम्फ ग्लैंड, और यहाँ पे इसका फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड लिखा हुआ है, इसको पहले ही आप लोग देख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।